जनाब मेरा नाम है अब्दुल रहीम भट्ट, मैं रिपोरा का रहने वाला हूँ, रिपोरा बी, क्योंकि रिपोरा दो हलकों में मुश्तमिल है, एक है हल्का रिपोरा ए, दूसरा है हल्का रिपोरा बी। मैं रिपोरा बी का रहने वाला हूँ जनाब। रिपोरा तो मशहूर है, अगर कहें कि सारे भारत में मशहूर है रिपोरा, अंगूर के लिए जाना जाता है। हाँ, मैं ये बताता हूँ क्योंकि जो इस गांव का अगर हम देखेंगे तकरीबन पिछले 10-20 साल से यहाँ थोड़ा कोई मुलाजमत कर रहा था, अगर आज देखेंगे आज तो मुलाजमत थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन उससे पहले जो रोज़गार था वो सिर्फ हम इसी अंगूर से हासिल कर रहे थे। ये जो गांव है ना, इसका रोज़गार सिर्फ था बस अंगूर के साथ, और कोई वाबस्ता नहीं। मतलब हम धान भी बनाते हैं यहाँ, सब के साथ करते हैं, मतलब पशुपालन भी करते हैं, भेड़ पालते हैं, गाय पालते हैं, और मतलब असली रोज़गार अगर हम कहेंगे वो तो हमारा ग्रेप्स ही है। तकरीबन अगर मैं अपना बताऊंगा, तकरीबन मैं उस वक्त 16 साल का था, मैंने पढ़ाई की तकरीबन मिडिल पास, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, 8वीं तक पढ़ा है, और 8वीं के बाद जब मैं इसके साथ लग गया तो जो मेरी ज़रूरियात है वो सब इसी ग्रिप से मतलब पूरी हो गई, क्योंकि हम अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हैं इसमें कि उसने ऐसी नियामत से हमें नवाजा है, जो कि अगर आप कहेंगे इंसान को कितना मुफीद है, अगर हम कहें ये कहेंगे कि जो बीमार है आखिरी वक्त में वो अंगूर भी ढूंढता है, अंगूर बोलता है कि हमें अंगूर चाहिए मरने के टाइम में, इसीलिए हम जो ये अंगूर है ना, अगर हम ये कहेंगे कि ये कश्मीर, मैं इसे कश्मीरी में बात करूंगा, मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, मोमोती गए जिंदा, तो इसीलिए ये बहुत सेहत के लिए ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुफीद है, सेहत के लिए इसलिए ज़्यादा मुफीद है, बाहर से भी अंगूर आते हैं, लेकिन उसमें वो तकरीबन मैंने एक डॉक्टर से बात की थी, वो कहते थे कि हमने 40 दवाइयाँ तकरीबन एक साल में छिड़कते हैं, बाहर के महाराष्ट्र वाले हैं या बेंगलोर वाले हैं, वो कहते हैं 40 दवाइयाँ हर रोज़। एक डॉक्टर आया था मेरे पास ट्रायल लेने के लिए, ट्रायल था ऑर्गेनिक, जो हम जो इसमें कीमियाई खाद लगाते हैं, वो उसने कहा था कि आप ऑर्गेनिक इसमें लगाओ, मतलब वर्मी कंपोस्ट है या कीमियाई खाद के बदले आते हैं, ऑर्गेनिक में खादें आती हैं वही इस्तेमाल। हम भी तकरीबन वो इस वक्त तकरीबन अगर हम कहेंगे 30-40% कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करेंगे इसमें। हाँ, मेरे पास तकरीबन पिछले 7 साल से हर साल तकरीबन स्टूडेंट्स आते हैं, पिछली बार भी तकरीबन 2-4 दिन हो गए स्टूडेंट्स मेरे पास आए, ज़रा यूनिवर्सिटी से शालीमार जो यहाँ काम चल रहा है वो केवी के पास आ गए थे, उन्होंने हमारे पास उनको भेज दिया ताकि ये भी उनसे कुछ मतलब हासिल कर सकें, कुछ सीखें। स्टूडेंट्स को हम हर रोज़ सिखाते हैं, और स्टूडेंट्स ने हमारे से पिछली बार आए थे और कहा था कि आप अपनी सर्टिफिकेट जो है वो हमें दिखा दीजिए, आपको महकमे की तरफ से कितनी सर्टिफिकेटें मिली है। मैंने उनको सर्टिफिकेटें की भी दिखाई, क्योंकि मैं इस वक्त तकरीबन जिस डिपार्टमेंट में भी आप जाएंगे, जो मतलब इस मेवा सनत के साथ मतलब मुश्तमिल है, जिसके पास भी आप जा सकते हैं वो ये कहेगा कि हाँ ये हमारा प्रोग्रेसिव फार्मर है। मैंने इस पर बहुत काम किया है, बहुत काम, लेकिन इंसान ये नहीं कहेगा कि हमने मतलब काम ख़त्म कर दिया है। जो दुनिया में है वो सिर्फ नया नया ही सीखना है, दिन ब दिन नया नया सीखना है, इसीलिए मैं अपने काम को ये नहीं कहूँगा कि मैंने पूरा किया है। हाँ, कुछ हद तक जो हमारे नौजवान हैं उनको कहता हूँ कि आप इसमें मतलब शामिल हो जाएं, ताकि आप भी मतलब सड़कों पर या नदी नालों पर या कहीं भी बैठकर जो बुरे काम हैं, इसमें हमारा नौजवान जो आज मुलव्वस हो रहा है तकरीबन जो नशावर चीज़ें हैं उनसे मुफ्त हो के अगर वो अपनी मेहनत करेंगे, अपना मतलब रोज़गार इसमें कमा कर उसको पूरी तरह से मतलब बाज़ार में बेचकर अपनी जो ये रोज़गार है वो हासिल कर सकें।